सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, आज हम लोग फिर से वापस आ गए एक और नया ब्लॉग लेके। तो हम लोग अभी गंगा सागर में है एंड गंगा सागर का आज एपिसोड 3 होने वाला है। तो ब्लॉग को एंजॉय करिए एंड डायरेक्ट मिलते हैं मोटू ब्लॉगिंग। एंड आप लोग सोच रहे हो कि यार बंदा सनग्लास पहन के ऐसे स्टाइल क्यों मार रहा है? मैं स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, ये साइड वो सन है, डायरेक्ट वो आँख में रे वगैरह आ रहा है, इसलिए मैं गार्ड करने के लिए चश्मा पहना हूँ। तो गाइस, हम लोग अभी मेन रोड में आ गए हैं। हम लोग अभी जाएंगे सीधा गंगा सागर के बिगेस्ट ब्रिज देखने के लिए, तो जो कि है चमागुड़ी में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं चमागुड़ी की तरफ बाइक लेके। लोग सिनेमैटिक एंजॉय कर लीजिए बाइक पे ही। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन रास्ते से। आप लोग देख सकते हैं दो साइड पे कैसे घने पेड़ पौधे हैं। यार ये रास्ते यार बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यार, मतलब एकदम गजब लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को बताना ज़रूर यार कमेंट करके। एंड भाई लोग, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो सामने थोड़ा सा रोड डिस्टर्ब है, लेकिन कोई बात नहीं यार, चल जाएंगे आराम से। बंदे लोग यार स्प्लेंडर लेके लद्दाख जा रहे हैं यार, ये तो कोई बात ही नहीं है। जाएंगे यार एक दिन, हम भी लद्दाख जाएंगे अगर आप लोग यार ऐसे भयंकर सपोर्ट दिखाते हो तो। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। सो गाइस, देख सकते हो हम अभी आ गए हैं एकदम गंगा के किनारे पे। एंड इधर यार अभी काम वगैरह चल रहा है जेसीबी से, तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का सिचुएशन। ये देख सकते हो यार पीछे एकदम गंगा है एंड इस साइड में सब जेसीबी का काम वगैरह चल रहा है उधर। यार चलते हैं अभी इधर से। एंड मेरे साथ सुबर्णो आया है एंड मेरा मामा भी आया है, तो चलिए जाते हैं इधर से। जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए। हम लोग पहुंच गए हैं गंगा सागर का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज के सामने एंड ये हम उठने वाले हैं गंगा सागर का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज। हम ना आए 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 हम ना आए ऐसे जी छुप छुपाए। ये गंगा सागर का ब्रिज है चमागुड़ी में। तो हम लोग अभी यार गंगा सागर के ब्रिज के ऊपर से अभी वॉकिंग करके जा रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हो यार बहुत ही शानदार नज़ारा है। एंड नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा सब नाव वगैरह। एंड अभी यार पानी का लेवल कम है क्योंकि यार अभी वो लो टाइड चल रहा है, इसलिए यार पानी जो है कम है। तो जा रहे हैं हम लोग अभी गंगा सागर के ब्रिज के ऊपर से। तो ये ब्रिज लिटरली मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन गंगा सागर एक आइलैंड है आप लोगों को पता ही होगा, एंड उस आइलैंड के अंदर ये सबसे बड़ा ब्रिज है। तो गाइज, हम लोग अभी गंगा सागर के ब्रिज को पीछे छोड़ते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं सीधा और एक और कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यार गंगा सागर का ब्रिज कैसा लगा मेरे को बताना ज़रूर यार कमेंट करके, ओके। तो गाइज, ये देख सकते हो आप लोग यार, ये गंगा सागर का सबसे ओल्डेस्ट लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो जाते हैं अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं और बेहतरीन एंगल से। तो गाइज, हम लोग अभी आए हैं गंगा सागर का सबसे पुराना लॉर्ड शिवा का टेंपल पे। तो देख सकते हो यार ये टेंपल बहुत ही बड़ा है एंड इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही मतलब अच्छा है। ये लॉर्ड शिवा का टेंपल है। तो इधर थोड़ा ये देख सकते हो, इधर है इसका एंट्री। हम लोग इधर से नहीं घुसे, हम लोग वो पीछे साइड से घुस गए थे, लेकिन मेन एंट्री इधर से है। एंड यही है सब टेंपल। अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं और बेहतरीन तरीके से। तो देख सकते हो गाइज, अंदर का एम्बियंस बहुत नीट एंड क्लीन है टेंपल। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देख सकते हो आप लोग लॉर्ड शिवा। ठीक
ठीक है गाइस, मंदिर देख लिए हैं, हम लोग जाएंगे रामकृष्ण मिशन। तो गाइस हम लोग अभी आए हैं एक मंदिर में, मतलब मंदिर कम, ये एक पार्क टाइप का ज़्यादा है। तो देख सकते हो यहाँ का व्यू, बहुत ही मेंटेन्ड बगीचा वगैरह है। ये जो श्री कृष्णा का कालिया नाग दमन का एक इमेज आप सब देख सकते हो, पानी के ऊपर बना हुआ है। अरे एक पॉन्ड टाइप का है अंदर, सब लोग बैठ सकते हैं इधर, एंड बहुत ही मेंटेन। पॉन्ड का नाम है नाग सरोवर, एंड अभी फुहरा वगैरह चल रहा है। वासुकी नाग का मंदिर है, देख सकते हो यार, सब डरावना टाइप का यार देखने में है, लेकिन पूरा मंदिर देख लो। तो ठीक है गाइस, अभी ये ब्यूटीफुल प्लेस को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं वापस और कुछ बेहतरीन चीज़ देखने के लिए। बहुत ही अच्छा प्लेस था, देख के मज़ा आया। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं गंगा सागर का रामकृष्ण मिशन, एंड ये गेट देख सकते हो रामकृष्ण मिशन का। तो अंदर घुसते हैं गेट से, देख सकते हैं इसका एम्बियंस। तो ये है रामकृष्ण का मंदिर, तो ये है रामकृष्ण मिशन, एंड सब महाराज यहाँ पे है, महाराज जी। अभी घुस रहे हैं रामकृष्ण मिशन के अंदर। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी। तो यही था गंगा सागर का रामकृष्ण मिशन, है ना, इधर पूरा आप लोगों को घुमा के दिखाते थे 360। इधर अभी काम वगैरह चल रहा है और बढ़िया तरीके से। तो गाइस रामकृष्ण मिशन को पीछे छोड़ते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं बेनुभवन घाट के तरफ, जो कि गंगा सागर का सेकेंड सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्च घाट है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बेनुभवन घाट। हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। एंड सामने है बेनुभवन लॉन्च जेटी, है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं बेनुभवन लॉन्च घाट। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। तो देख सकते हैं यार हम लोग अभी जा रहे हैं इधर से, बहुत ही अच्छा एक ब्रिज से, मतलब एक ब्रिज टाइप का है, एंड ये ब्रिज खत्म होने के बाद यार लॉन्च से उठना पड़ता है, एंड ये लॉन्च यार सीधा जाकर नामखाना जाता है। तो हम लोग यार लॉन्च में नहीं जाएंगे, क्योंकि यार लॉन्च में जाने से बेकार हो जाएगा यार, नामखाना में जब ब्लॉगिंग करेंगे तब यार एक दिन जाएंगे इधर बेनुभवन से नामखाना जाएंगे। तो फिलहाल यार आप लोगों को दिखाने के लिए इधर आए हैं, एंड अभी आई थिंक यार लॉन्च नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी लो टाइड है एंड पानी बहुत ही कम है इधर। तो यार अभी लॉन्च नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोग यार यहाँ का नज़ारा तो दिखा ही सकते हैं, देख सकते हो यार पीछे सब सुंदरी ट्री है। इसका एक खास बात होता है, इनका रूट जो है ऊपर रहता है, ऊपर की तरफ उठे रहता है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इधर से आप लोगों को दिखाते हैं, एंड ये देख सकते हो कितने सारे लॉन्च वगैरह, एली फिशिंग के लिए सब जहाज, एंड ये एक लॉन्च है। एंड अभी यार लो टाइड है, इसके कारण यार लॉन्च नहीं जाएगा। तो जाएंगे यार एक दिन ज़रूर बेनुभवन से, नामखाना जाएंगे, नामखाना जाकर उधर भी ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे। गाइस यही था बेनुभवन घाट, एंड बहुत ही मज़ा आया इधर आके, एंड अभी जा रहे हैं वापस बेनुभवन घाट देखने के बाद। तो मेरे साथ मेरा मामा आया है, एंड तो जा रहे हैं वापस।
सो गाइस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना जरूर, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये ऐसे ऐसे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करना एंड शेयर कर देना तुम्हारे दोस्त वगैरह के साथ, क्योंकि यार 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है हम लोग। तो फटाफट सब्सक्राइब करो एंड शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।